सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपना क्लोजिंग बैलेंस डाउनलोड करेंगे जो कि होगा आपका MB52 प्लांट वही। अपनी डिटेल डालो, और आपको इस चीज़ में इसमें एक ध्यान रखना है, ये जो आपका ये आ रहा है 90 स्टॉक लाइंस, इसको सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और दूसरा जो आपका ये डिस्प्ले ऑप्शन में आ रहा है नॉन हिटरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको डाउनलोड करना है। और एक ये जो आपकी लेआउट है, लेआउट में आपको ये विशाल के नाम से लेआउट दिखाई देगी, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आपको इसमें नहीं आ रही है तो आपके पास ये बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें देखिए विशाल के नाम से एक लेआउट है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, और उसके बाद उसको स्प्रेडशीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज का मेरा 7 तारीख का बैलेंस डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक है, ये सेव हो गया। अभी बैक जाएंगे, बैक स्लैश एन ZMM 3012 वन एस इशू रिपोर्ट, वही पहले की तरह। कब से निकलना है वन एस मुझे अपना, मुझे निकलना है 1 दिसंबर से, जब से ERP लागू हुआ है, तब तक निकालना है, मुझे आज तक का ही निकालना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो आज तक का है, 5-7 तक का, तो इसलिए थोड़ी सी बाउंडेशन ये है कि आपको जो वन एस अपना निकालना पड़ेगा आज तक का ही निकालना पड़ेगा। इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, इशू 7 फरवरी इसको सेव कर लेंगे। इसको एक चीज़ में इसमें बतानी भूल गया आपको, जैसे मैंने इशू का रिपोर्ट फाइल डाउनलोड किया उससे पहले मुझे जाना है ये चूज़ लेआउट पे जाना है, और इसमें आपको ये विशाल के नाम से एक लेआउट आ रही होगी, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है। अब रिसीव रिपोर्ट में जाएंगे, रिसीविंग प्लांट में प्लांट कोड AS08, पोस्टिंग पीरियड में मुझे जो पीरियड मैंने इशू का लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पीरियड इशू का लिया है वही मुझको रिसीव का भी लेना पड़ेगा। मैंने 1 दिसंबर से लिया था, और कब तक, करंट डेट तक का ही लेना पड़ेगा, 7 फरवरी है, 7 फरवरी तक का ही लेना पड़ेगा। ये इसमें कुछ बाउंडेशन है आपको जो ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका US गलत बनेगा। इसको हमने डाउनलोड कर लिया है, इसमें वही चूज लेआउट पर जाएंगे, और ये विशाल रिसीव के नाम से लेआउट आ रही है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और अब इसको डाउनलोड करना है एक्सेल में। सात फरवरी 21 ये आपका डाउनलोड हो गया, इन दोनों फाइलों को मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया ERP का भी, तो ERP को भी लॉगआउट कर दूंगा। अब मैं अपनी फाइल जिससे मुझे मेरा 2S क्रिएट होगा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इस ड्राइव में बनाऊंगा अपना 2S। यहाँ पर देखिए अभी इस समय ये 3 फाइल आ रही है, इनको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेल की कोई फाइल नहीं है, और मैं अपनी जो फाइल है उस फाइल को खोलूँगा। ये फाइल है क्रिएट 1S 2S एंड अकाउंट। अभी हमारी फाइल खुल गई, अब ये आपको वही सेम स्टॉक रिपोर्ट पर क्लिक करना है, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स फॉर्म एक मिल जाएगा, इसमें आप 2S रिपोर्ट को सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर अपना नाम, स्टोर का नाम, और जोन से ड्राइव है उसका लेटर डालोगे, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद से सबमिट करेंगे तो दूसरा फॉर्म खुल के आ जाएगा आपका जनरेट 2S रिपोर्ट का। तो इसमें आपको बैलेंस फाइल जो है, सबसे पहले बैलेंस फाइल सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पर पड़ी है, अभी सेव की थी मैंने, एक्सपोर्ट बैलेंस 7 फरवरी ये रहा, और रिसीविंग फाइल एक्सपोर्ट रिसीविंग 7 फरवरी 21 ये रही, इशू फाइल एक्सपोर्ट इशू 7 फरवरी। अभी देखिए यहाँ पर तीनों फाइल सेलेक्ट हो गई इसमें, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा है फाइल का एड्रेस। अब दोस्तों साथियों,
अब इसमें हमें करना क्या है कि ये क्रिएट टू एस का बटन आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि तीन तीन फाइलों में से डाटा निकाल रहा है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी है, तो जब तक ये अपने टास्क को पूरा ना कर ले तो आप कंप्यूटर को एज इट इज छोड़ दीजिए और इसमें दूसरा कोई काम मत करिए, नहीं तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। मैं इस पर बटन पर क्लिक करता हूँ, अभी इसको मैंने छोड़ दिया, अभी पीछे बैकएंड में काम कर रहा है और थोड़ा समय लगेगा इसमें, क्योंकि तीन तीन फाइलें हैं जिसमें से डाटा ले रहा है। और इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, और स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए लगभग 35-40 सेकंड लगे हैं इसको अपना काम करने में, तो ये आपका 2S बनके तैयार हो गया। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ये आइटम कोड आ गया था, ये आइटम का नाम आ गया और ये उसकी यूनिट आ गई, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से मतलब है कि जिस डेट से आपने 1S अपना लिया है उस डेट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये गलतफहमी होनी चाहिए कि अक्टूबर का है, 23 सितंबर का है, या किसका, जिस डेट तक आपने 1S लिया है जिस डेट से उस डेट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, ये बैलेंस आ गया क्लोजिंग, तो इस तरह से आपका 2S तैयार हो गया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस 2S में कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, और वो लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशंस इस तरह से हैं, क्योंकि जो आपका ERP का 1S रिपोर्ट जनरेट हो रही है उसमें रिसीविंग की 1S में, एक तो ये मूवमेंट टाइप 101 से आप ले रहे हैं, Y61 से कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ मूवमेंट टाइप को ये 1S आपकी ERP रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करती, इसलिए आपके 2S में भी वो रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से जो आजकल चल रहा है मूवमेंट टाइप 301, जिससे JEO के अकाउंट में डायरेक्ट मटेरियल भेजा जा रहा है, उसको वो इशू रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा ERP, और जो स्क्रैप हम इशू कर रहे हैं मूवमेंट टाइप पे, तो उस मूवमेंट टाइप का भी इसमें ERP में 1S में इशू में नहीं आ रहा, तो उसी वजह से ये आपके इशू में नहीं आएगा। तीसरा क्या है, जो आप GPK या कोर टैंक फर्म को निर्गत करते हैं, तो ये फर्म से उसी कोड पर यानी कि डैमेज दिया है, तो डैमेज में ही प्राप्त होते हैं, इसलिए आपके 2S में भी डैमेज भी आएंगे ट्रांसफॉर्मर। और चौथी लिमिटेशन क्या है इसकी, कि जो क्लोजिंग बैलेंस है ERP से, वो बैक डेट का क्लोजिंग बैलेंस डाउनलोड नहीं होता, करंट डेट का होता है, इसलिए हमें जो है 1S अपना और रिसीव और इशू भी आज तक का ही निकालना पड़ेगा, अभी हमारा 2S सही आएगा। इसके अलावा बाकी इसमें मेरी जानकारी में कोई एरर नहीं है, आपका पूरा रिकॉर्ड एकदम सही निकलेगा। और मेरे जो मेरठ के साथी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपना ERP से दबाव बनाएं कि ये 1S की रिपोर्ट में ये मूवमेंट टाइप भी शो होने चाहिए, अगर ये 1S की रिपोर्ट में शो हो जाएंगे तो आपका 2S बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो इसलिए जो मेरठ के साथी लोग हैं वो ERP के लोगों से कहें इस बारे में, उन पर थोड़ा सा दबाव बनाएं, और कोटैंक और GPK ट्रांसफॉर्मर का अगर ये सही हो सकता है तो वो भी इसको सही कराएं, क्योंकि अगर हम GPK में डैमेज फर्म को इशू करते हैं तो वो फर्म से GPK में डैमेज ही मिलता है हमको, वही 1S में शो होता है, जो कि अकाउंट के आधार पर और वैस के आधार पर तो गलत है। तो बाकी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका सब सही बनेगा। और अगर आपको ये चीज़ फ़ायदेमंद लगती है आप थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। धन्यवाद।